दोस्तों, ये कैनन का E4570 प्रिंटर और इसमें जो प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन शीट कैसे निकलता है, मतलब इस प्रिंटर में कितना कलर प्रिंट हुआ है, कितना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हुआ है, कॉपी हुआ है, कितना फैक्स आया है, सारे के सारे शीट निकाल सकते हो। तो इसको कैसे निकालना है, तो चलो इसके लिए देख सकते हैं। ये वाला प्रिंटर में एक ऑप्शन रहेगा मेनू, और मेनू के बगल में ये है एक बटन काटा की तरह और स्क्रू ड्राइवर की तरह, ये है सेटिंग्स। तो ये आपको दबाना है, ये दबाते ही सेटिंग्स में चला आएगा। देख सकते हो, आपको जाना है लास्ट में, फैक्स सेटिंग, डिवाइस सेटिंग, फीड सेटिंग, मेंटेनेंस, टेम्पलेट प्रिंट, इंक इन्फॉर्मेशन, क्वाइट मोड, इको सेटिंग, सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बाद आपको देख सकते हो प्रिंट यूजेस स्टैट्स, मैंने स्टैटिस्टिक्स, प्रिंट यूजेस स्टैटिस्टिक्स, कितना सारा स्टैटिस्टिक्स है, कितना सारा डेटा है, ये जैसे आप दबाओगे ये इधर से निकल के आ जाएगा। आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, और इधर से आपको पेपर रहना चाहिए, तो पेपर से जो है एक प्रिंट करके आपके पास दे देगा। तो देख सकते हो ये निकल गया है, इसमें क्या दिखाई देगा तो दिखाते हूँ। तो देख सकते हो ये प्रिंटर का मॉडल नंबर लिखा रहेगा, ये ऐसा कुछ लिखा रहेगा, रिकॉर्ड्स ऑफ यूजेस, आपको इस डिवाइस का मैक एड्रेस और वायरलेस मैक एड्रेस दिखाई देगा, सीरियल नंबर दिखाई देगा, इधर से आपको सीरियल नंबर भी मिल जाएगा। ये आपको दिखाई देगा आपका जो है इस डिवाइस पे कितना सारा टोटल सीट यूज हुआ है, 318 सीट यूज हुआ है इसमें, इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट कितना था, कलर कितना था देख सकते हो, उसमें से कलर और ब्लैक एंड व्हाइट में से प्लेन पेपर कितना था और नॉन प्लेन पेपर मतलब फोटो पेपर या फिर स्टिकर पेपर कुछ भी है वो कितना था दिखाई देगा, और एक साइड कितना प्रिंट हुआ और दोनों साइड कितना प्रिंट हुआ आपको दिखाई देगा। ये है प्रिंट के लिए, ये है कॉपी के लिए, मैंने जेरोक्स जिसको कहते हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर कितना कितना हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा, सेम वाइज वन साइड टू साइड कितना हुआ आपको दिखाई देगा, फैक्स कितना हुआ वो आपको दिखाई देगा। फैक्स में अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो फैक्स मैंने इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो फैक्स अगर इस्तेमाल करेगा तो उसमें इधर आपको दिखाई देगा। और सीस यूज फॉर अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस के लिए क्या यूज हुआ है वो नॉर्मली प्रिंट प्रिंट वाला है, ये सारे के सारे कैलकुलेट करके दे देता है, और फैक्स सेंड करने के लिए कितना हुआ है वो आपको दिखाई देगा, और किस डेट पे ये प्रिंट हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आपका जो कैनन E4570 है उसका जो प्रिंटर का स्टैटिस्टिक है, कितना प्रिंट हुआ है वो आप निकाल सकते हो और इसको मॉनिटर कर सकते हो। तो चलो इसका रिव्यू वीडियो देखो, इसका प्रिंट कार्टिस कैसे बदलता है वो मैंने अच्छी तरह से दिखाया है, वो देख सकते हो, वायरलेस सेटअप कैसे करता है, इसका फर्मवेयर अपडेट कैसे करता है वो मैंने दिखाया है। और ये वाला प्रिंटर अगर खरीदना चाहते हैं, इसके इंक कार्टिस खरीदना चाहते हो, इसका जो पेपर है जेके पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 100 सेट्स वाला, जो मैंने को 100 रुपीज में मिला था, तो वो भी बाय लिंक नीचे दिया हुआ है, अमेजन से आसान से खरीद सकते हो। तो चलो उन सब वीडियो में मेरा मिलता हूँ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और देखते रहे मेरे चैनल संदीप सिंह दास। आपका दिन शुभ रहे।